दोस्तों, यूं तो नई नई खबर है कि प्रधानमंत्री मोदी अचानक से सोशल मीडिया पर ट्रोल होने लगे। ट्रोल होने का कारण था चुनावी मौसम, और उस चुनावी मौसम में भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने एक ट्वीट किया और उन्होंने अपील की एक ऐप के जरिए, मोदी ऐप के जरिए भारतीय जनता पार्टी को चंदा देने के लिए। ये तो आप सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कुल 4.5 साल के अंदर ही 5 स्टार 7 मंजिला अपना बड़ा कार्यालय बनाया है दिल्ली के अंदर, और साथ ही देश के हर जिले में भारतीय जनता पार्टी ने अपना ऑफिस बना लिया है। तो बस सवाल इसी बात पर खड़ा हुआ और ट्रोलिंग शुरू कर दी लोगों ने फेसबुक पर, और जवाब में लोगों ने लिखा क्या क्या ये भी आपको बताएंगे, और कैसे शुरुआत हुई ये भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले बारी है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा की गई अपील की, और ये अपील उन्होंने फेसबुक पर जारी की अपने पेज से। उसमें लिखा उन्होंने, कंट्रीब्यूटेड टू भारतीय जनता पार्टी बाय द नरेंद्र मोदी मोबाइल ऐप। आई अर्ज यू ऑल टू कंट्रीब्यूट टू द पार्टी थ्रू द एप्लीकेशन एंड स्प्रेड द मैसेज ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक लाइफ। तो अब बवाल तो मचना ही था। 15 लाख के इंतजार में जो लोग बैठे हुए थे, उन्होंने अपने अपने तरीके से खींचना शुरू कर दिया। एक फेसबुक यूजर ने रसीद डाली, उस पर अमाउंट लिखा हुआ था कि मैं अपने हिस्से के 1,000 रुपये दे रहा हूं, कृपया बाकी पैसे मेरे पास भेज दें, क्योंकि आपने 15 लाख की बात कही थी कि हर अकाउंट में आएंगे। और उसके बाद यह सिलसिला यही नहीं रुका, यह सिलसिला बढ़ता चला गया और लोगों ने लिखना शुरू किया उनके कमेंट के जवाब में, बीजेपी द रिचेस्ट नेशनल रिचेस्ट पॉलिटिकल पार्टी विद रुपीज 1,034 करोड़ रुपए, जिसकी इनकम हो, क्या उसको डोनेशन की जरूरत है। एक ने लिखा, आई वुड लाइक टू टैग अंबानी, अदानी, माल्या, नीरव मोदी एक्सेट्रा जो हमारा पैसा ले गए, कृपया वो हमारे बदले का चंदा दे दें। और इसी तरह से प्रधानमंत्री के दावों पर सवाल उठने लगे। और कुछ यूजर्स ने लिखा, बिगनिंग फॉर ए पार्टी हु इज डिवाइडिंग द नेशन ऑन रिलीजन, आई रेदर कंट्रीब्यूट टू ए चाइल्ड हु इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर विल हैव दियर ब्लेसिंग एटलीस्ट। इस पार्टी को दान देने से अच्छा है मैं किसी कैंसर से पीड़ित मरीज को दान दूं, जिससे कम से कम उसकी दुआएं मिल सकें। यू ऑलरेडी हैव टू पे मी 15 लैक्स, हाउ एवर यू कैन हैव 100 रुपीज फ्रॉम दैट एंड सेंड बैक बैक रेस्ट ऑफ द अमाउंट। आपके पास हमारे 15 लाख रुपए हैं, बाकी हो तो वो भेज दीजिए। बड़े सपने दिखाने वाले, 2.5 करोड़ रोजगार का वादा करने वाले मोदी जी अब सोशल मीडिया पर मजाक का पात्र बन गए हैं। कभी वो अपने रोने को लेकर चर्चा में रहते हैं, कभी झूठ को लेकर के, कभी वो 125 करोड़ घर बनवा देते हैं, कभी 125 करोड़ गैस कनेक्शन दे देते हैं। आखिर इसकी इंतहा कब होगी, कब वो सच्चाई की जमीन पर लौट के आ पाएंगे। दोस्तों, ये वॉइस ओवर ब्लॉग आपके लिए, पसंद आए तो शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू। Press start.